सबसे पहला रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या। रजिस्ट्रेशन को लगने वाले डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, आज हम लोग फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, ये डॉक्यूमेंट्स रहेगा मैंडेटरी क्या क्या, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, ये सब आपके लिए मैंडेटरी रहेगा, लगेगा ही लगेगा। उसके बाद आधार कार्ड ऑप्शनल है, आप यूज कर सकते हो और नहीं भी, और पैन कार्ड आपको लगेगा। ये मैं आपको जनरली प्रोप्राइटरशिप कंपनी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप होते हैं, इसलिए। बैंक अकाउंट, एड्रेस, ऑफिस एड्रेस बोलेंगे इसको, ठीक है, ये आपका मैंडेटरी है, ये आपको लगेगा। ये छोड़ के आपको और एक चीज, जब आप लॉग इन करेंगे उसके लिए जो आप क्रेडेंशियल यूज करना चाहेंगे, वो क्रेडेंशियल क्या रखना चाहते हो, वो आपको खुद से सेट करना पड़ेगा। मतलब आप जो सेट करेंगे लॉग इन करने के लिए, वो आपको डिटेल्स रखना है, हो गया, ये आपको लगेगा। इतना आपका मैंडेटरी हो गया, बाकी की चीजें ऑप्शनल है। ऑप्शनल में फिर क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि जीएसटी, आईटीआर, जिसको हम लोग जेम पे टैक्स असेसमेंट बोलते हैं, टैक्स असेसमेंट, आईटीआर, उद्यम, पहले एमएसएमई था, अभी ये उद्यम हो गया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब जो चीजें हैं ये ऑप्शनल है, आप देंगे तो भी चलेगा, नहीं देंगे तो भी चलेगा। देंगे तो इसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं देंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स है। ये छोड़ के आपको कुछ डिक्लेरेशन देना पड़ता है, जैसे कि ई इनवॉइस डिक्लेरेशन, ई इनवॉइस का डिक्लेरेशन, ये आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है, और डीओई ऑर्डर बोल रहे हैं, ये आपको देना पड़ता है। ये दोनों एक डिक्लेरेशन का पार्ट, आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है जो आप यहाँ पे जो कर रहे हो सही कर रहे हो। इतना चीजें जेम के प्रोफाइल पे है, ये सब आपको पता हो गया तो जेम पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और उसको अपडेट भी कर पाएंगे। तो जनरली समझाने के लिए मेरे पास पैन कार्ड आप लोगों को पता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में कंफ्यूजन कॉमन कॉमन एक रहता है, जो किसका लगेगा। तो जनरली आप जब अकाउंट जेम पे अकाउंट बनाओगे तो जेम पे कंपनी का नाम वगैरह दोगे, जैसे यहाँ पे एक छोटी छोटी चीजें आपसे पूछा जाएगा, कंपनी का नाम, तो आप जो भी कंपनी का नाम रखो उस कंपनी के नाम से अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आपका बिल इनवॉइस जो जनरेट होगा वो कंपनी के नाम से होगा। हाँ, आपने कंपनी का नाम ही रख दिया, जैसे मेरा नाम आदित्य पंडित है तो मैंने कंपनी का नाम रख दिया आदित्य पंडित, ऐसा मैंने रख दिया, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मेरा ये बैंक अकाउंट सेविंग भी मैं यूज कर सकता हूँ, पर मैंने कंपनी का नाम आदित्य पंडित की जगह भगत टेक्नो रख दिया, तो फिर तो मेरा बैंक अकाउंट भी भगत टेक्नो के नाम से होना चाहिए। तो डिपेंड, आप कंपनी का जो नाम रखते हो उस नाम से अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि पूरा आपका जो इनवॉइस है, आप जो बिल करोगे वो कंपनी के नाम से करोगे, तो अकाउंट का आपको जो फंड मिलेगा वो भी उसी अकाउंट के नाम से ही होगा। इसलिए यहाँ पे कोशिश करो कि सेविंग यहाँ पे अकाउंट नहीं यूज करो, करने के लिए आप कर सकते हो पर आपको करंट अकाउंट यूज करना है, ये होगा आपका प्रॉपर प्रोसेस। फिलहाल आपके पास नहीं है तो आप सेविंग अकाउंट से टेम्प्रोरी काम चला सकते हो, ये भी कब तक, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको एक भी पेमेंट नहीं मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट में आप थोड़ा बहुत तो इधर का उधर कर सकते हो, बस यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर सोच रहे हो तो यहाँ पे आप पेमेंट आपका पूरा का पूरा फंस जाएगा। ऑफिस एड्रेस में जो आपका एड्रेस है ये आप कभी भी एडिटेबल है, एडिट वगैरह भी आप कर सकते हो। यूजर आईडी एडिट नहीं कर सकते, हाँ जो आपकी बाकी क्रेडेंशियल है उसको आप बाद में चेंज कर सकते हो, ये आपका एडिट नहीं होगा, जो आपने सेट कर दिया वही सेट हो जाएगा। कंपनी का नाम बदल सकते हो,
बदलने के लिए ऑप्शंस क्या है कि जीएसटी, यदि अभी आपके पास जीएसटी नहीं है और बाद में आपने जीएसटी के टाइम पे अपने कंपनी का नाम बदल दिया तो आपका ऑटोमेटिकली कंपनी का नाम बदल जाएगा। जीएसटी पे जो कंपनी का नाम है वही नाम ऑटोमेटिकली आपके प्रोफाइल में आ जाता है, ये आप बदल सकते हो बाद में कभी। जीएसटी ऑप्शनल क्यों है? यदि आप जीएसटी नहीं डालोगे तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगा? यदि जीएसटी आपने नहीं डाला तो साल में ईयरली 40 लाख के ऊपर का ऑर्डर नहीं ले पाओगे, ये आपको एक प्रॉब्लम आएगा। विदाउट जीएसटी क्या होगा? साल में 40 लाख से ऊपर का ऑर्डर नहीं ले पाओगे और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं कर पाओगे। जिस स्टेट का आपका एड्रेस है उसी स्टेट में सप्लाई कर पाओगे, आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में कहीं पर भी ऑर्डर नहीं ले पाओगे विदाउट जीएसटी। तो जीएसटी यदि आपके पास नहीं रहा तो आपके पास दो दो बाइंडिंग के साथ काम कर सकते हो, एक तो साल का 40 लाख से ऊपर ऑर्डर नहीं मिलेगा, दूसरा एक मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं कर पाओगे, दूसरे स्टेट का कोई भी ऑर्डर नहीं ले पाओगे। विदाउट आईटीआर क्या होगा? विदाउट आईटीआर यहाँ पे आपसे एक चीज पूछा जाता है, जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपसे एक चीज पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी चालू होने का डेट, आपका कंपनी कब चालू हुआ। तो मान ले हमने आज का डेट डाल दिया 6/10/2023, ये मैंने आज का डेट डाल दिया रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कि 6/10 को मेरा ये कंपनी चालू हुआ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तभी यदि मेरा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 6/10/2023 का है तो मुझे यहाँ पे आईटीआर यहां से लेके 2 साल तक, मतलब यहां से 24 मंथ्स विदाउट आईटीआर हम सब कुछ काम कर पाएंगे, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 24 मंथ। आफ्टर 24 मंथ भी हमने आईटीआर अपडेट नहीं किया तो क्या होगा? तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमें ऑर्डर मिलता है कैसा, दो तरीके से, एक डायरेक्ट परचेस है ना और दूसरा बीड के थ्रू से, ऐसे दो तरीके से आपको ऑर्डर मिलता है। तो आप डायरेक्ट ऑर्डर आपको मिलेगा, डायरेक्ट ऑर्डर 24 मंथ बाद भी मिलेगा यदि आपने 24 मंथ के बाद भी आईटीआर अपडेट नहीं किया तो, बट बीड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे आफ्टर 24 मंथ। 24 मंथ तक आप कर पाओगे, आफ्टर 24 मंथ बीड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे विदाउट आईटीआर। मतलब आईटीआर का लिंक कहाँ से है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से, जो आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वहां से आपका आईटीआर का लिंक होगा, वहां से 2 साल तक आपको विदाउट आईटीआर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसके बाद आप डायरेक्ट ऑर्डर कर पाओगे, बीड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे 24 मंथ के बाद। उद्यम नहीं रहा तो उद्यम के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। उद्यम के जैसे बेनिफिट क्या है? उद्यम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि डिपेंड अपॉन, सब कुछ सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ईएमडी में एग्जम्पशन मिलता है, ईएमडी में एग्जम्पशन मिलता है, और विदाउट आईटीआर एंड एक्सपीरियंस भी आप टेंडर भर सकते हो। सब कुछ ऐसा नहीं कि हर में ऐसा मिलेगा, डिपेंड अपॉन टेंडर, हम ये बात आपको बता रहा हूं, हर एक में नहीं, डिपेंड अपॉन टेंडर, टेंडर में ये टर्म्स होना चाहिए, उसके ऊपर रहेगा। उसके बाद जैसे कि मैंने कल बताया था कि आपको कॉजन मनी में भी छूट मिलता है, सबको नहीं मिलता पर कॉजन मनी में भी छूट मिलता है। तो ये जो बेनिफिट्स है विदाउट उद्यम वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा यदि आपके पास उद्यम नहीं रहा तो आप विदाउट उद्यम कहाँ से होंगे? सेम स्टार्टअप इंडिया में, स्टार्टअप इंडिया को भी ये सब बेनिफिट है सेम उद्यम की तरह। तो आपके पास यदि स्टार्टअप इंडिया है तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, नहीं है तो फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक चीज आपको स्टार्टअप इंडिया के बारे में बता देता हूँ, स्टार्टअप इंडिया प्रोप्राइटरशिप कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यदि आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है तो आपको स्टार्टअप इंडिया का लाइसेंस कभी नहीं मिलेगा, ठीक है?
पहले यहां तक थोड़े डाउट्स क्लियर कर लेते। यहां तक में किसी का डाउट्स है तो बताओ, मैंने जहां तक आपको दिया है वहां तक में। कहाँ से होता है और कंपनी को मिलेगा या नहीं, फर्म को, स्टार्टअप क्या कंपनी को मिलेगा कि नहीं? प्रोप्राइटरशिप इंडिया रजिस्टर्ड कंपनी को नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा। प्रोप्राइटरशिप या प्रोप्राइटरशिप कंपनी। प्रोप्राइटरशिप को, जो भी कंपनी प्रोप्राइटरशिप में अपना रजिस्ट्रेशन किया है उनको नहीं मिलेगा। खैरा सर, खैरा है सर उस। सर मेरा प्रश्न ये था कि ये उद्यम वाला और एक आईटीआर वाला, ये आईटीआर वाला क्या अमाउंट क्या डलता है, एक तो ये मेरा डाउट है, और दूसरा उद्यम वाला मेरे को पॉइंट समझ में आया नहीं कि कौन कौन सी, लाइक मेरी कंपनी जो है वो बहुत पुरानी है, मेरी कंपनी है 45 साल पुरानी है, हाँ अभी हाँ अभी इसको जैम में भी बहुत पुराना रजिस्ट्रेशन है, लेकिन हाँ अब ये उद्यम में अभी अभी आया होगा तो मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं है, तो इस पे अगर आप थोड़ा रोशनी डालें कैसा क्या है। उद्यम का एक सर्टिफिकेट होता है। देखो सर, हम यहाँ पे एक चीज आप लोगों को सबको भी ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट बनाना नहीं सिखाऊंगा, तो वो आपको कोई कंसल्टेंट से ही आपको बनवाना पड़ेगा, या फिर चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग हमारे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे, आप उनसे बनवा लो उद्यम का सर्टिफिकेट। उद्यम के जो बेनिफिट है थोड़े में मैंने आपको बता दिया है, बाकी की यदि आपको उद्यम के पूरे बेनिफिट देखना है तो आप उद्यम का, यहाँ एक वेबसाइट है, आप उनके वेबसाइट में जाओ और वहां पे आपको उद्यम के सभी बेनिफिट मिल जाएंगे, या फिर गूगल पे डाल दो उद्यम के बेनिफिट, तो आपको यहाँ से उद्यम के सभी बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, जो उद्यम को क्या क्या बेनिफिट है तो उस बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो, है ना। हम यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे, हाँ हम वो चीजें जरूर बताएंगे जो जेम से रिगार्डिंग है, जेम से लिंक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सर फिर आईटीआर वाला पार्ट एक बार और बता दीजिए, आईटीआर टैक्स असेसमेंट वाले 24 मंथ वाला समझ में नहीं आया। मतलब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपने जब जेम पे रजिस्ट्रेशन किया है तो आपने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब डाला है, उससे 24 मंथ तक विदाउट आईटीआर, मतलब आपने आईटीआर अपडेट जेम पे नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना सब काम कर पाएंगे। आफ्टर 24 मंथ यदि आपने आईटीआर अपना अपडेट नहीं किया तो आप टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, बाकी सभी काम कर पाएंगे आफ्टर 24 मंथ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ओके ठीक सर। है। गुप्ता सर बोलिए। सर अभी मोबाइल नंबर और ईमेल दो चेंज कर सकते बोला ना सर आप, उसका डिपेंड, हमने इसके बारे में बोलना है, प्रोसेस। मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हो, वो आगे हम लोग बात करेंगे जब प्रोफाइल का सेटिंग करेंगे तब मैं बताऊंगा। ओके श्योर, थैंक यू सर। सिंह सर, सर मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका जैसे 24 मंथ में आपको आईटीआर, मैंने सिंगल आईटीआर दिया तो ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हाँ ये 24 कोई भी 24 हाँ, क्योंकि 2 साल की आईटीआर हो जाती है, एक हमने नहीं, प्रोवाइड करा 2 साल की दिया। जरूरत नहीं, आपकी कंपनी मान लो 20 साल भी पुरानी है, आपने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1980 का डाल दिया तो भी ओके आपने 1 साल का भी आईटीआर अपडेट कर दिया तो जेम पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सब काम कर पाएंगे। ओके श्योर, थैंक यू। क्लियर यहाँ तक? तो हम थोड़े और बात करते हैं, ई इनवॉइस डिक्लेरेशन और डीओई ऑर्डर क्या है। ई इनवॉइस क्या है? ई इनवॉइस जीएसटी का ही नाम से, इसका भी यदि आपको पूरा डिटेल्स जानना है तो आपको जीएसटी के वेबसाइट में मिलेगा। ये जीएसटी से ही सभी नॉर्म्स लागू होते हैं, ई इनवॉइसिंग का। ई इनवॉइसिंग जनरली जीएसटी के नॉर्म से लागू होता है। ई इनवॉइस रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर जीएसटी, तो यहाँ पे आपको ई इनवॉइसिंग के आपको रूल्स मिल जाएगा, जो यहाँ पे इनवॉइसिंग का जनरली क्या रूल्स है वही रूल्स फॉलो होगा, यहाँ पे सेम रूल फॉलो होगा ई इनवॉइसिंग का। जनरली आपको एक बेसिक्स बता देता हूँ यहाँ पे इनवॉइसिंग का, यदि आपका टर्नओवर लास्ट 3 साल में, लास्ट 3 ईयर्स में आपकी यदि टर्नओवर है वो 5 CR से ज्यादा है, कोई भी साल में, लास्ट 3 साल में कोई भी ईयर में यदि आपका टर्नओवर 5 CR से ज्यादा है
तो आप ई इनवॉइस के दायरे में आते हो। लास्ट 3 इयर्स में कोई भी साल में यदि आपका टर्नओवर 5 CR से ज्यादा है तो आप ई इनवॉइस के दायरे में आते हो, नहीं तो नहीं आओ। तो उसका ही आपको एक डिक्लेरेशन देना है, आप आते हो कि नहीं आते हो, यस और नो। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आप यस करो, नहीं है तो नो करो। ये डिक्लेरेशन है। दूसरा डिक्लेरेशन है डीओई ऑर्डर। जनरली हमें डीओई ऑर्डर क्या बताता है कि बॉर्डर सेलिंग का, कि हम बॉर्डर सेल जो करते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ प्रोडक्ट हम बेचते हैं क्या जेएमपी। यदि हम उनका मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं एज ए जेएमपी, तो हम डीओई ऑर्डर में हमको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। बॉर्डर शेयरिंग मतलब हमारी कंट्री किसके किस कौन कौन से कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके साथ हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होता है पूरा का पूरा 100% मतलब वो पूरा का पूरा मटेरियल हम उठा के और हम यदि यहाँ पे बेचते हैं जेम पे, तो मुझे एक डिक्लेरेशन है वो साइन करके देना चाहिए। अभी इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट रूल तो आया नहीं है, पर आपको एक डिक्लेरेशन जरूर लेता है। और यदि आप नहीं बेचते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा बेचा हुआ, वहां से आप रॉ मटेरियल खरीद के लाओ और बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां का पूरा मटेरियल जो वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होता है वहीं पर वहां के रॉ मटेरियल से ही बनता है, पूरा पैकेजिंग उठा के लाके और हम बेच रहे हैं, तो हमें एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। जनरली ये डिक्लेरेशन ज्यादातर एप्लीकेबल उनके लिए होता है, ओईएम वाले के लिए, बाकी के लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। और इसको ऑप्शनल में डाला है कि आप डिक्लेरेशन दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते। क्लियर है फिर पॉइंट यहाँ पे? तो रजिस्ट्रेशन से पहले हमने को ये सब चीजें जानना चाहिए। अब हम लोग रजिस्ट्रेशन का हेलो, प्रोसीजर पे ध्यान देते हैं। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए सर। हेलो सर बोलिए ना। सर, इसमें एक इशू ये हो सकता है, कच्चा माल हमने पाकिस्तान से लिया हाँ और उसको यहाँ पैक किया हमने, हाँ तब उसमें डिक्लेरेशन दे सकता है? कितना परसेंट? पूरा का पूरा यदि कच्चा माल पूरा का पूरा पाकिस्तान से लिया 100%, तो फिर आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। यदि आप और कितने एटलीस्ट परसेंट उसका पे नहीं 20% देना का नॉर्म से 20%, मोर देन 20%, यदि आप 20% से ज्यादा, ग्रेटर देन 20% या 20% से ज्यादा मटेरियल आप यदि मतलब 80%, 20% छोड़ देंगे, तो आप 80% यदि माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो बॉर्डर सेल कंपनी के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। होगा? जी उससे ज्यादा करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। हाँ खैर है सर, बोलिए। सर, सर इसमें जो ये डीओई ऑर्डर है, तो ये डीओई ऑर्डर सिर्फ इंटरनेशनल बॉडीज के लिए ही है ना? लाइक लोकल के लिए तो है नहीं, कि लोकल वाले तो के लिए ऐसा नहीं कोई नहीं रूल है? अभी तक तो सर किसी के लिए मैंडेटरी रूल्स नहीं है, आगे इन फ्यूचर इसको मैंडेटरी कर दिया तो मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं। अभी ये अच्छा, तो किसी के वो लिए मैंडेटरी है? लोकल हो जाएगा, हाँ लोकल के लाइक लिए वो तो कोई लोकल के नहीं। लिए? जनरली ये रूल्स बनाने के पीछे का लॉजिक है कि मैक्सिमम जो कंपनी है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग या इंडिया पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये रूल्स लेके आया गया है। ओके जयसवाल सर, सर, ई इनवॉइस डिक्लेरेशन एक बार फिर से बता दीजिए। ई इनवॉइस डिक्लेरेशन यदि आपका टर्नओवर 5 CR से ज्यादा है तो आपको एक यस करके डिक्लेरेशन देना है कि हम इनवॉइस के दायरे में आते हैं। यदि आपका सर 5 CR से कम है फाइव तो नो सर करना। आप बोले 3 इयर्स में 3ों साल का टर्नओवर तीनों जोड़ साल करके में होगा यदि कि? कोई भी साल में 5 साल, तीन लास्ट 3 साल में कोई भी ईयर में आप यदि 5 CR क्रॉस किए हो तो। चलिए क्लियर है, फिर आगे चलते हैं रजिस्ट्रेशन पे। अभी जोड़ करते हैं कैसे फिर हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसमें 2 पार्ट में हम लोग रजिस्ट्रेशन सीखेंगे, पहले में रजिस्ट्रेशन और सेकंड पार्ट में प्रोफाइल अपडेट, साइन अप
एज ए सेलर और सर्विस प्रोवाइडर, इस पे हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, सेलर और सर्विस प्रोवाइडर। साइन अप किया, सेलर और सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे हमसे सबसे पहले पूछा जाता है कि मेरा बिजनेस कैसा है। देखो इसमें कंपनी के टाइप आ गए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यदि आपकी ओनर सिंगल ओनर का कंपनी है तो प्रोप्राइटरशिप, यदि आपकी कंपनी पार्टनरशिप या एलएलपी में है तो फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड है तो कंपनी, ट्रस्ट सोसाइटी वगैरह है तो ये, यदि आपकी कंपनी गवर्नमेंट बॉडी है या पीएसयूज है तो आप ये यूज करोगे। तो आपका कैसा रजिस्ट्रेशन करना है, जनरली हमारे पास जो सबसे ज्यादा आते हैं प्रोप्राइटरशिप आ रहे हैं, इसलिए मैं प्रोप्राइटरशिप चूज कर रहा हूँ। जैसे मैंने चूज किया, यहाँ पे रिक्वायर्ड के डॉक्यूमेंट्स आ गए। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको यही सब समझाया कि मुझे क्या क्या लगेगा। तो मुझे एटलीस्ट ये पर्सनल डिटेल्स और बिजनेस डिटेल्स को टिक करना ही करना है, सिर्फ टिक करना है। आप इसको टिक करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। भले आपके पास जीएसटी है और आपने नहीं टिक किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास नहीं है और टिक गलती से हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक आपको टिक करना ही है। जब तक यहाँ टिक नहीं करोगे, देखो प्रोसीड का ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये आपको दोनों चीजें करना ही करना है। इसमें वही बताया जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपके लिए मैंडेटरी क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि 24 मंथ तक आप बीड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यदि आप आईटीआर मैंडेटरी नहीं है, कब तक, 24 मंथ तक, वो सब चीजें आपको यहाँ पे क्लियर रूप से कंसर्न करना है। प्रोसीड जीएसटी, देखो ये सभी ऑप्शनल में डाल दिया, उद्यम ऑप्शनल में, डीआईपीपी नंबर मतलब स्टार्टअप, ये सब ऑप्शनल में। प्रोसीड प्रोप्राइटरशिप और फॉर्म में क्या डिफरेंस है, ये तो आप अपने सीए वगैरह यदि कोई कंसर्न होगा आप उनसे पूछेंगे, ठीक है जी। शांति बोलिए, आपका कोई डाउट है? हम इसको करते हैं प्रोसीड। यहाँ पे आपको जेम के पूरे नॉर्म्स आ जाते हैं। बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि सर आप जो बता रहे हो 25,000 तक डायरेक्ट परचेज है, 5 लाख तक L1 है, बीओक्यू बिड का क्या नॉर्म्स है, कस्टम बिड का हेलो, क्या नॉर्म्स है, नॉर्मल बिड का क्या नॉर्म्स है, तो ये जो सभी नॉर्म्स है ये आपको कहाँ से पता चलता है? ये सभी नॉर्म्स यहाँ पे लिखे हुए, ये जेम में जो भी नॉर्म्स है, ये 54 पेजेस का आपका पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन का है। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो, जिसके जो इम्पोर्टेंट नॉर्म्स होते हैं वो धीरे धीरे जैसे मेरा क्लास चलेगा वैसे मैं बताते चलता हूँ। ऐसे मैंने कुछ नॉर्म्स आपको कल बताए थे, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पे बताते जाऊंगा। तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ एंड प्रोसीड। हाँ शांति सर बोलिए। सर एक्चुअली मेरा क्या डाउट था, मेरा 100% प्रोफाइल कंप्लीट हो गया सर सर। आगे बात करेंगे, अभी यहाँ पे जो आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो बताओ, हमने जहां तक पढ़ाया है वहां तक में कोई डाउट है तो नहीं बताइए। सर, ये सेशन तो मेरा कंप्लीटेड है सर। हाँ ठीक है सर, मैंने आप लोगों को देखो एक चीज क्लियरली बताया कि अभी हम लोग आपने जो टॉपिक्स में चल रहा है उसी टॉपिक्स के रिगार्डिंग डाउट्स लेंगे, आगे का डाउट्स नहीं लेंगे। हमने यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप चूज कर लिया, अब यहाँ पे कंपनी का नाम, क्या हम अपना कंपनी का नाम रखना चाहते हैं? तो हम एक कंपनी का नाम रख लेते हैं। मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसे भी आया था, तो देखते हैं एक बार। मैं ये कंपनी का नाम रख रहा हूँ, तो आप जो भी रखेंगे उसके रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है? सेम वही कंपनी का नाम आपको यहाँ पे रखना है, ओके? एंड हम इसको प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट, अब आपको पूछ रहा है कि आप दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कैसे, आधार बेस्ड भी और पेन बेस्ड भी, आपके ऊपर। यदि आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो आधार बेस्ड करो, नहीं तो पेन बेस्ड करो। दोनों में डिफरेंस क्या है, आपने आधार से किया तो क्या प्रॉब्लम और पेन से किया तो क्या प्रॉब्लम है? यदि आपने आधार बेस्ड किया तो आगे आप मोबाइल नंबर नहीं बदल पाएंगे, मोबाइल नंबर तभी बदल पाएंगे
जब आपका आधार का जो मोबाइल नंबर से लिंक है वो निकालोगे, पेन वेस्ट करेंगे तो आप मोबाइल नंबर बदल सकते हो, ठीक है? ये आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो आपके ऊपर दोनों ऑप्शंस खुला है, आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे पेन वेस्ट कर देता हूँ, पेन नंबर ओके नेम एज पर पिन डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डालना है क्योंकि प्रोपराइटर से, और यहाँ पर ऐसे भी पर्सन का है तो यहाँ पे आपका कंपनी का नहीं लगेगा, पर्सन का ही लगेगा। हाँ आधार बेस भी कर सकते हैं, आधार बेस में भी सेम मोबाइल नंबर से जो लिंक होगा वो नंबर डालिए और वही रहेगा, सिर्फ मुझे ये डिटेल्स नहीं डालना पड़ेगा, इतना ही। उद्यम बेस नहीं होता सर। अमन गुप्ता बोलिए। अमन गुप्ता ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना डाल दिया एंड वेरीफाई। अब ये पेन कार्ड भी सही होना चाहिए कि आईटीआर में जैसा डेटा है तो ही अपडेट होगा, गलत डाल दोगे नहीं लेगा, नाम भी थोड़ा गलत हो गया तो नहीं लेगा। अब मोबाइल नंबर, मेरा ही मोबाइल नंबर डाल देते हैं, वेरीफाई। आप एक मोबाइल नंबर से मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो याद रखो, पर एक ईमेल आईडी से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, ईमेल आईडी बदलना पड़ेगा। मोबाइल नंबर आप एक ही मोबाइल नंबर से आप कितना भी रख सकते हो सर, एक मिनट। ये नोट डाउन करके भी आप रख सकते हो, ये ही मेरा मोबाइल नंबर है। इसको वेरीफाई करो, माय रोल मैं क्या हूं उस कंपनी का, यदि ये देखो प्रोप्राइटरशिप कंपनी में एचयूएफ भी रहता है तो मैं प्रोप्राइटर हूं। अब आता है यहाँ पे ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी डालना है, सर ये HUF क्या है, कंपनी के टाइप कैसे है ना, ये सब चीजें आपको ना, आपको सर आपको कोई कंसल्टेंट या सीए वगैरह से पूछना पड़ेगा। देखो ये सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सब में डिस्कशन करेंगे तो जेम का क्लास साइड में रखना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें आने वाली है हमारे पास, तो जो एक्स्ट्रा चीज है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि जेम का क्लास ही बड़ा है और आपको यदि इसके बेसिक आइडिया नहीं है तो आपको वो तो देखना, ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको किसी कंसल्टेंट से देखो या फिर इंटरनेट से सर्च कर लो कि सब में डिफरेंस क्या है कंपनी के टाइप्स वगैरह में। ओके एंड वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया, अब यहाँ पे मुझे फिर से एक वेरिफिकेशन लगेगा, वो मैं ले लेता हूँ एक मिनट से। वो स्क्रीन आज चल नहीं रही सर मेरे मोबाइल पे आपके वीडियोस की। वो सर बाद में डिस्कशन करेंगे, फिलहाल इसके रिगार्डिंग कर ले, अभी नेक्स्ट करते हैं। अब आपको क्या रखना है जिससे आप लॉग इन करेंगे वो हम डालते हैं, हम ये रखना चाहते हैं, ठीक है? आप इसका क्रेडेंशियल क्या रखना चाहते हैं,
इसमें सब होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह सभी होना चाहिए। ठीक है, हमने सेम डाल दिया एंड क्रिएट अकाउंट, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। ये हमें ईमेल वेरिफिकेशन के लिए टाइम लगा, नहीं तो 5 मिनट भी नहीं लगता है, आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा। हो गया सक्सेसफुली, अब मेरा लॉगिन हो जाऊंगा, ये मेरा स्टेडियम सेल हो गया। नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करेंगे, प्रोफाइल कैसे अपडेट करते हैं। चलिए बोलिए, अब यहां तक में किसी को रजिस्ट्रेशन तक में कोई डाउट्स है तो बताओ, अब इसके बाद हम लोग प्रोफाइल अपडेट का पार्ट देखेंगे।